इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में कई समय से मांग की जा रही थी कि राखी से पहले बाजार खुले रखे जाए। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय लेने की बात कही है। कमेटी में सहमति बनी कि कल रविवार को राखी, मिठाई और पूजा सामग्री की दुकानें खुली रहेगी। सांसद ने कहा कि कोरोना में खतरे को देखते हुए आपसे निवेदन है कि बाजार आए तो शारीरिक दूरी का ध्यान रखें और मास्क जरूर पहनें। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। लोगों की ये मांग थी कि इस राखी के त्यौहार पर राखी की दुकान, मिठाई की दुकान, पूजा सामग्री मिलनी चाहिए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी भावनाओं से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर के सभी जनप्रतिनिधि इस पर चर्चा करके निर्णय लें और शहर के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई और इसमें ये सहमति बनी कि कल रविवार को राखी की दुकान, मिठाई की दुकान और जो पूजा सामग्री लगती है त्यौहार पे उसकी दुकानें चालू रहेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, प्रदेश के अन्य शहरों में टोटल लॉकडाउन है, कृपया इंदौर में ऐसी स्थिति न बने, इसलिए उन सब चीजों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।